यूक्रेन रूस जंग के बीच बेलारूस के सैनिकों का कुछ शरणार्थियों से बदसलूकी का वीडियो सामने आया। आरोप है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सैनिकों ने पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिसका वीडियो पोलैंड के एक पत्रकार की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें दोनों देशों की सीमा पर बेलारूस के फौजी कुछ लोगों को बुरी तरह पीटते नजर आए। इस वीडियो में कटीली तारें दिखी। ये तारें दो देशों की सीमाओं पर लगाई जाती हैं। वहीं बेलारूस के सैनिक शरणार्थियों को जमीन पर गिराकर लात, घूंसे, डंडे और हथियारों से पीटते दिखे, वो भी इतनी बुरी तरह कि किसी का भी दिल उन लोगों को इस हालत में देखकर पसीज जाए। रात के अंधेरे में वहां चीख पुकार मच गई। जो लोग उन कटीली तारों के दूसरी तरफ थे, यानी कि पोलैंड में थे, वो चंद कदमों का फासला होते हुए भी उन लोगों को नहीं बचा पाए। वहां शरणार्थियों के साथ इस कदर मारपीट की गई कि कुछ लोग तारों के बीच में फंसे नजर आए। इस बीच यूक्रेन के विद्रोहियों ने लुहांस के एक इलाके का वीडियो जारी किया, जिसमें उसके लड़ाके एक इलाके में गोले बरसाते दिखाई दिए। उनकी तरफ से दावा किया गया कि इन बमों के जरिए यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने के लिए संदेश भेजे गए, और इसके लिए यूक्रेन के विद्रोहियों ने कई तस्वीरों और कागज पर लिखे संदेशों को एक कपड़े की पट्टी में लपेट दिया। इसके बाद उसे लोहे के एक खांचे में रखकर बम के भीतर डाल दिया गया। इसी तरह रूस के समर्थन में लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों ने संदेशों और तस्वीरों से भरे कई गोले तैयार कर लिए, और इसके बाद उन गोलों को तोप में भरकर दाग दिया गया। बताया गया कि विद्रोहियों ने यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने के लिए संदेश से भरे जो गोले दागे, वो इस तरह तैयार किए गए थे कि हवा में वो फट जाएं, और उनके भीतर भरी तस्वीरें और संदेश उन इलाकों में दूर तक फैल जाएं जहां यूक्रेन के सैनिकों ने ठिकाना बनाया है। यूक्रेन के विद्रोहियों के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को संदेश भेजा कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो फिर वो मारे जाएंगे।